सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के ग्रुपेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is brought to you by Windscribe VPN. Check description for more information. तो सर पहला अपडेट है वो निकल के आता है जियो फोन के लिए और भाई फोन जो है उसकी तो प्रीबुकिंग स्टार्ट होने वाली है 24 अगस्त से, लेकिन उससे पहले बहुत सारा कंफ्यूजन है। बहुत सारे दोस्तों यहाँ पे अलग अलग मॉडल्स आपको मिलने वाले हैं, ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। और यहाँ पे जो दो मॉडल्स हैं वो तो कंफर्म हो चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्वीट कर दिया है क्वालकॉम ने कि जो स्नैपड्रैगन 205 है वो काम में लिया जाने वाला है जियो फोन में। और दोस्तों उसके अलावा ट्वीट कर दिया है स्प्रेक्ट्रम ने भी कि उन्होंने पार्टनरशिप कर ली है जियो फोन के लिए। यानी कि दोस्तों दो वेरिएंट जो है वो है कंफर्म, चार पांच और अलग शायद मॉडल्स आ सकते हैं और बाद में शायद धूम मचने वाली है आगे सितंबर के महीने में, दोबारा लगेगी लंबी लंबी लाइनें जियो फोन के लिए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है सोनी के A1 Bravia OLED टीवी के लिए। इंडिया में इसको लॉन्च किया जा चुका है। यहां पे दोस्तों हमको मिलते हैं दो अलग-अलग वेरिएंट। जो 55 इंच मॉडल की प्राइस है वो है 364900 और दोस्तों मॉडल है 65 इंच का, उसकी कीमत है 464900। यानी दोस्तों है फर्क 1 लाख रुपए का। यहां पे आपको डॉल्बी विजन एचडीआर मिलता है, एंड्रॉइड टीवी मिलता है, उसके अलावा जो साउंड है वो पैनल जो है वो खुद से वाइब्रेट करके सामने प्रोड्यूस करता है, जो पैनल वो है ओलेड वाला। लेकिन 3.5 लाख रुपए करीब का 55 इंच का टीवी क्या आप हजम कर पाओगे, नहीं मुझे बताइएगा। लेकिन अब क्या करें दोस्तों, टेक्नोलॉजी जो ओलेड है वो बहुत एक्सपेंसिव है। एलजी और सैमसंग के भी इसी प्राइस रेंज में आते हैं, कुछ इससे महंगे भी आते हैं। मैं खुद एक अनबॉक्सिंग प्लान कर रहा हूं एलजी के एक ओलेड टीवी की, आप बताइए कि आपका उसमें इंटरेस्ट रहेगा या नहीं। और फिलहाल क्या आप ऐसे किसी टीवी में इंटरेस्ट रखेंगे, क्योंकि टीवी तो हमारा देखना वैसे ही बहुत कम हो चुका है। दोस्तों यहां पर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई Xiaomi Redmi Note 4 के धमाके के लिए। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका है व्हाट्सएप वगैरह पे, जहां पे आप देखते हैं दुकान में हो गया धमाका, फोन जो था वो था Xiaomi Redmi Note 4। तो यहां पे दोस्तों Xiaomi ने सामने जवाब दे दिया है कि भाई हम कर रहे हैं मामले की इन्वेस्टिगेशन। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट ये कहती है कि जिस इंसान का फोन फटा उसको एक नया Redmi Note 4 दिया जा चुका है। लेकिन ऐसे में दोस्तों इंडिया में कितने सारे Redmi Note 4 बिके हैं, आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो काम में लेते होंगे Redmi Note 4 को। अगर ये प्रॉब्लम वाइड स्प्रेड हो तो इसका आप क्या जवाब देंगे कि आप फोन यूज कर रहे हैं, चार्ज में फोन लगा हुआ है, ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं, तकिए के नीचे आपका फोन पड़ा है, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। और एक आधा जो इंसिडेंट है वो तो अब देखते हैं Xiaomi यहाँ पे क्या सामने अपना क्लियर जवाब देता है। तो यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है HTC U11 के सफायर ब्लू वेरिएंट के लिए। इंडिया में इसके जो प्री ऑर्डर्स है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो प्राइस है वो है 51990। तो मतलब HTC ने दोस्तों अपने U11 है वो पहला कुछ 50-70 कुछ पीस बेच दिए होंगे, उसके बाद में भी नया कलर आ गया है। लेकिन भाई किसको पड़ी है HTC U11 की, कौन 52,000 में फ़ोन खरीदने वाला है। हालांकि लोगों ने परचेज किया होगा 100-200-500 ने, लेकिन उसके अलावा यार HTC का ना मतलब क्या करें, टाइम ही खराब चल रहा है। सैमसंग अपने आप चढ़ा हुआ है आकाश में, एप्पल जाओ तो जानते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से टॉप पे है, और क्या कर सकते हैं HTC और LG की तो थोड़ी किस्मत ऐसी सी है। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वही काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगर आप काम में लेते हैं गूगल मैप्स, अगर आप काम में लेते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अगर आप रहते हैं कोलकाता में, तो अब दोस्तों आपको जो बसेज हैं उनकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि अगर आप खड़े हैं किसी बस स्टॉप पे तो जो अगली बस है वो कितनी देर में आएगी, वो दोस्तों मिल जाएगा रियल टाइम में। कोलकाता से हैं अपने बहुत सारे व्यूअर्स, ये बात मेरे को मालूम है, तो आप ऐसे में एंजॉय कर पाएंगे गूगल मैप्स के इस नए फीचर को। और ये आपको आगे चल के और सिटीज में भी देखने को मिल जाएगा जहां पे आपको बसेज की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी गूगल मैप्स में। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो है भाई एप्पल के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के ऊपर। और यहां पे एप्पल दोस्तों प्लानिंग कर रहा है कार बैटरीज बनाने की, और यहां पे पार्टनरशिप करके बैठा है एक चाइनीज फर्म के साथ में। अब एप्पल कार कब आएगी कि नहीं आएगी वो भी नहीं मालूम, एप्पल यहां पे क्या प्लानिंग कर रहा है वो भी नहीं मालूम, बिकॉज आईफोन के लिए तो वो पार्टनरशिप कर रहा है एलजी के साथ में बैटरी के लिए, और यहां पे खुद ही मिलकर बना रहा है कोई कार बैटरीज। तो मतलब एप्पल के दिमाग में चल क्या रहा है वो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो नया शायद धमाका बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरे यहां पे अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 के लिए। धमाके के बाद में न्यूज काफी अच्छी आती है, और यहां पे दोस्तों नोट 8 जो है उसमें आपको मिल सकते हैं एप्पल के एयरपॉड स्टाइल वाले एकदम क्लियर वायरलेस वाले ईयरफोन्स बॉक्स के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों होगा बिक्सबी का ताकत वाला पूरा दम लगा रखा है सैमसंग ने। अब यार देखो सैमसंग के जो गियर आइकन एक्स हैं उसकी एक्चुअली बैटरी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, वरना वो काफ़ी अच्छे ईयरफोन्स हैं। तो ऐसे में अभी सैमसंग क्या देता है नोट 8 के साथ में, डिज़ाइन जो है वो कैसा रहता है, और बिक्सबी वाले होंगे तो क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग हो। लेकिन अगर बॉक्स साथ में फ्री में मिल रहे हैं तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या एग्जीक्यूट होता है जब सैमसंग लॉन्च करता है नोट 8 को 23 अगस्त को। तो सर अगला अपडेट निकल के आता है वो
वो है Uber के लिए। और जैसा आपको मालूम है दोस्तों इंडिया में है ओला प्ले कुछ गाड़ियों में, जहां पे आपको पीछे एक टैबलेट वाला स्क्रीन मिलता है जहां पे आप मूवीज रेडियोज वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहां पे Uber जो है वो भी ऐसा एक इंटरेक्टिव जो स्क्रीन है वो प्लान कर रहा है अपने कुछ कैब्स में, जहां पे आपको इनके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आपको रियल टाइम के फ्लाइट स्टेटस वगैरह मिल जाएंगे, आप कुछ और अपने इवेंट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, आसपास की जो लोकेशन है उनको सर्च कर सकते हैं, मतलब काफी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी और न्यूज वगैरह आप देख सकते हैं। तो ये मतलब ओला जो प्ले है उसका एक नेक्स्ट वर्जन होगा जो कि Uber प्लान कर रहा है आने वाली कैब्स में। लेकिन मेरी किस्मत कहां कि मैं Uber में ट्रैवल करूं, Uber ने मेरा अकाउंट ही ब्लॉक करके रख दिया है। तो यहां पे जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है OnePlus 5 के लिए और 3T के लिए। यहां पे दोस्तों चल रहा है बैक टू स्कूल ऑफर, जहां पे आपको मिलते हैं कुछ डिस्काउंट और साथ में कुछ फ्रीबीज अगर आप शॉप करते हैं OnePlus का कोई डिवाइस जैसे कि OnePlus 5 है, OnePlus 3T, आपको साथ में प्रोटेक्टिव केस मिल रहा है, आप अगर परचेस करेंगे ईयरफोन्स तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, उसके अलावा कुछ बैकपैक वाले कुछ बंडल्स वगैरह हैं जो आप ले पाएंगे कुछ डिस्काउंटेड प्राइस में। तो ऐसे में आपने OnePlus 5 अगर परचेज करना था, अगर आपके दिमाग में है, तो क्या आप इसको ऑलरेडी परचेज कर रहे हो या फिर आप वेट कर रहे हो आने वाले कुछ दिनों में परचेज करने का, मुझे बताइएगा नीचे कमेंट्स में। तो यहां पर जो अगला अपडेट निकल के आता है वो है भीम ऐप के लिए, और NPCI ने ये कहा है कि जो भीम ऐप है उसके हो गए हैं 16 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट और अभी करीब 4 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये दोस्तों 30 दिसंबर को ऐप लॉन्च किया गया था, मतलब अभी करीब करीब 6-7 महीने हो चुके हैं इस ऐप को आए मार्केट में। तो 16 मिलियन जो है वो बहुत ही बड़ा नंबर होता है और 4 मिलियन मंथली यूजर्स मतलब कम से कम 40 लाख लोग जो है वो हर महीने भीम ऐप को काम में ले रहे हैं। आपने क्या इस ऐप को इंस्टॉल किया कि नहीं और आप इस ऐप को काम में लेते हो या नहीं, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। काफी सिंपल ऐप है, काफी आसान ऐप है और आप इसमें बड़े आराम से UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में आप कितने कैशलेस बन पाए आज तक, ये बात आप मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है Google Pixel 2 के लिए, और रिपोर्ट से कहती है कि ये आने वाला है फोन स्नैपड्रैगन के 836 के साथ में। 835 के बाद में 836 का मतलब दोस्तों मुझे ऐसे लगता है जैसे कि 820 और 821 था, यानी कि कुछ माइनर चेंजेस होंगे। अब देखते हैं कि पिक्सल 2 कब आता है, 836 कब आता है, और ऐसे में ये बन जाएगा शायद पहला फोन जो आएगा स्नैपड्रैगन 836 के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 एक्टिव के लिए। इस फोन में दोस्तों कुछ रियल फोटो सामने लीक होकर आ गई है, वही सेम टेढ़ा वाला फिंगरप्रिंट वाला डिजाइन, उसका जो बॉडी है वो है रगेड, स्क्रीन जो है वो है बिल्कुल वही सेम कोने से कर्व वाला। अब ये फोन US में ही आता है यार, बिकॉज इंडिया में तो आता नहीं है। जो एक्टिव लाइनअप है वो आता है सिर्फ AT&T के लिए। जो बैटरी है वो होने वाली है 4000 mAh की, फोन थोड़ा थिक भी होने वाला है। अब देखो ये कब लॉन्च होता है, इंडिया में तो आएगा नहीं तो बात करने को फायदा नहीं है। तो सुनो अगला अपडेट निकल के आता है वो है बड़ी धमाकेदार न्यूज, और यहां पे दोस्तों मेरी फेवरेट कंपनी यू टेलीवेंचर्स लॉन्च कर रही है अपना नया फोन यू यूनिक 2, और यहां पे ये फोन दोस्तों है वो लॉन्च होने वाला है। कल 2015 में आया था पहली बार यू यूनिक और अब आने वाला है यू यूनिक 2। देखते हैं कि ये फोन कितना यूनिक होता है, किसी की कॉपी नहीं हो तो बहुत ही अच्छी बात है। एग्जैक्टली इस फोन दोस्तों क्या अच्छा मिलेगा देखते हैं भाई, हम उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लॉन्च हो और कुछ अच्छा काम करें माइक्रोमैक्स ताकि हम तारीफ कर पाएं, अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट लगा रखा है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। देखते हैं कि कल क्या धमाका करता है माइक्रोमैक्स यू यूनिक के साथ में। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है रिलायंस की तरफ से, रिलायंस ने एक फोन लॉन्च कर दिया, रिलायंस लाइव C459 स्नैपड्रैगन 210, जो प्राइस है वो है इसकी 4699। यार जियो बात देखो, आपके लाइफ के जितने फोन बिकने थे ना वो बिक चुके हैं, अभी कोई लाइफ का फोन नया क्यों लेगा। आप जियो फोन लेके आ रहे हो यार, उसके ऊपर फोकस करो। ऐसे 4-5 हज़ार के जो आप ये अजीब अजीब से बेकार फोन लेके आते हो जिसमें मतलब कोई कुछ काम में ले तो काम में भी ठीक से ना ले पाए, अगर उसको बनाएगा हॉटस्पॉट तो उसकी बैटरी यूं करके सीधा नीचे आ जाएगी, तो ऐसे में फिर सेंस नहीं बनता है। तो आप क्या लाइफ के फोन से इंटरेस्टेड हो यार, मतलब स्टार्टिंग में लिया होगा मजबूरी में जियो की सिम के लिए एक बार जब पिछले साल होता था स्टार्टिंग में ऐसा, अब तो मेरे ख्याल से कोई होगा शायद जो परचेज करेगा लाइफ का ये फोन। जल अग्नि धरती पताल पता नहीं क्या क्या था, विंड एयर फायर वाटर, अलग अलग सीरीज थी ना यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट है वो है माइक्रोसॉफ्ट के सरफेस फोन के लिए, एक पेटेंट लिखो गया है सामने से, मालूम चलता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट जो है वो काम कर रहा है सरफेस फोन के लिए। अभी ये जिंदा है, अभी मरा नहीं है, यहाँ पे कुछ आगे प्लानिंग चल रही है कुछ इंटरेस्टिंग लॉन्च किया जाए। और ऐसे में दोस्तों देख सकते हैं डिजाइन कुछ कैसा होने वाला है, क्या पता ये फोल्डिंग डिजाइन होगा, फोन जो है वो खुल के बड़ा बन जाएगा, टैबलेट बन जाएगा, छोटा हो तो हो जाएगा फोन, कुछ इंटरेस्टिंग शायद माइक्रोसॉफ्ट कर सकता है, माइक्रो मैक्स भी करे कभी तो मजा आ जाएगा। तो फिर अगला अपडेट आता है निकल के वो है LG की तरफ से, और LG का ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है कि ये रोबोट है जो दोस्तों काम में लिया जाएगा एयरपोर्ट्स में, जहां पे ये न सिर्फ एयरपोर्ट की सफाई करेगा बल्कि इंफॉर्मेशन जो है वो भी दोस्तों पहुंचाएगा पैसेंजर्स तक, जहां पे चाहे वो रास्ते बताने की बात हो चाहे वो फ्लाइट के अपडेट्स हो। तो ऐसा एक कमाल का रोबोट है जिससे आप बातचीत भी कर पाएंगे, उसके अलावा ये जो है वो वैक्यूम टेक्नोलॉजी की मदद से
घूम घूम के सफाई भी करता रहेगा। तो बाद में ऐसे 10 12 15 20 रोबोट आप छोड़ दो एयरपोर्ट में, तो आपका एयरपोर्ट भी जो है वो साफ बना रहेगा, उसके अलावा जो पैसेंजर्स हैं वो भी सही टाइम पे सही इन्फॉर्मेशन शायद पता लगा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है, स्टडी को लेकर किया गया था एक ग्लोबल सर्वे जहां पे थे करीब 1000 इंडियंस और उनसे ये पूछा गया कि वो पब्लिक वाईफाई में क्या काम में लेंगे सबसे पहले सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे दोस्तों करीब 1/3 ने जवाब दिया कि वो देखेंगे अडल्ट कॉन्टेंट फ्री वाईफाई पे। अब इंडिया में कितना फ्री वाईफाई है, कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे आप उसको किस किस काम में लेंगे, आप मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सर्वे जो है थोड़ा छोटा था, हम इस बार एक बड़ा सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे आप सभी व्यूअर्स अपना जवाब दे पाएंगे नीचे कमेंट्स में। दोस्तों बस यही था सारे अपडेट्स, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।